हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज डे है वेंसडे। और क्या, और तो कुछ है ही नहीं करने को। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, माय सिस्टर बर्थडे सेलिब्रेशन। नहीं देखे तो जाके देखना। इतनी मेहनत करी कि मैं दो दिन से सो रही हूँ और आज उठी हूँ। मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही सफाई कर ली थी। सब कह रहे लग रहा है दिवाली आ गई है क्या। मैंने कहा दिवाली भी आनी ही है एक महीने बाद, तो अच्छा है अभी से थोड़ी थोड़ी सफाई कर लो बर्थडे के नाम पे। अभी तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ एकदम रेडी। पहले जाके करूँगी पूजा और फिर बना है मेरा आज टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट। ना ही इडली, ना ही पनीर का पराठा, कुछ और बताऊँगी। मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है ब्रेकफास्ट में, उसमें से आज एक चीज़ और बन रही है जो कि मुझे पसंद है। पहले पूजा कर लेती हूँ, घंटी बजी रही है क्योंकि पापा पूजा कर रहे हैं। मैं अभी जाके पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ क्या बन रहा है आज। जब तक ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, उससे पहले थोड़े से फ्रूट्स, पपाया। वैसे बिना नमक के अच्छा नहीं लगता, मतलब नमक लगा के खाओ तो। ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो गया है। चन चन चन, ये है सूजी का हलवा और इसके साथ बने हैं चने, जीरा और हींग वाले। सिंपल, मतलब इसे कैसे खाना है मैं बताती हूँ। रेडी, इसको कैसे खाना है? सूजी के हलवे पे छोले को मिक्स करके, जैसे मीठा नमकीन का टेस्ट आता है ना, टेस्टी लगता है। जैसे चाय में वो नमकीन फैन या मट्टी को डिप करके खाते हो इतना टेस्टी होता है, वैसे सूजी के हलवे में चने को, सूखे चने को मिला के खाओ। ये नमक और मीठा दोनों का टेस्ट आता है। नवरात्रि में ये मेरा फेवरेट हुआ करता था, टेस्टी टेस्टी। मतलब जब भी नवरात्रि आते थे तो मैं इसी चीज़ के लिए खुश होती थी कि छोले हलवे, छोले हलवे प्रसाद मिले। और ये भी मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है और धूप तो बहुत निकल रही है, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं अचार को दिखाऊंगी थोड़ा सा, ये पक जाए। ये काम मुझे मम्मी ने दिया है कि बेटा इसको 10 दिन तक धूप दिखाना। तेल पूरा निकल गया इसलिए मैंने ये नीचे डस्टर रख दिया कि ना, ला भी दिया अच्छे से। अब इसको तेज़ी से धूप लग जा, लग जा। हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, ये देखो ये छन्नी इतनी गंदी हो रखी है, काली हो रखी है। अब मैं इसे चमकाऊंगी और कैसे, सिर्फ 10 मिनट का खेल है इसको चमकाना। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इतनी गंदी से नई कैसे बनेगी। पहले मैंने एक पतीले में पानी रख दिया बॉईल होने के लिए और उसमें मैं बेकिंग सोडा मिला दूँगी बस। और फिर मैं इसमें ये लिक्विड वाला विम बार डाल दूँगी और इसे थोड़ा सा बॉयल आने दूँगी। जैसे इसमें हल्के हल्के बबल्स दिखने लगे उसको इसमें डाल दो, डाल के रख दो और थोड़ा सा बॉईल कर लो। देखिए मैंने सिर्फ 5 मिनट किया है बस और ये सारा झड़ने लग गया। और अब इसे मैं 10 मिनट तक और इसमें रखूँगा। मैंने पानी में गरम करके उबालने के बाद मैं बताती हूँ, इससे पहले चमकाया विम बार लगा के और फिर इससे इसको मैंने घिस घिस के चमकाया, जो कि अब काफ़ी हद तक साफ़ हुआ है ये। मतलब उतना प्रॉपर तरीके से नहीं, लेकिन जैसे उसमें दिखाते ना यूट्यूब पे एकदम नया बन गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नया बन गया, लेकिन जितना काला देखा था आपने उससे तो काफ़ी ये सुधर गया है, कुछ निकल गया। मेरे को लग रहा है एक दो बार अगर वैसे किया जाए तो ये चमक जाएगा। यूट्यूब में दिखाते हैं 10 मिनट का खेल, 5 मिनट का खेल। मैंने भी सोचा ट्राई करके देखती हूँ 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ये कोई 10 मिनट में नहीं हुआ। इसे करने में मुझे पूरे 15 से 20 मिनट लगे। सबसे ज़्यादा तो जो इसके अंदर ये काला काला जम गया था ना, उसको मुझे निकालने में बहुत टाइम लगा। फिर भी थोड़ा बहुत रह गया, लेकिन काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया। बट कोई ये 10 मिनट का जादू का खेल नहीं भाई, जो भी इसे करेगा उसमें मेहनत तो लगनी ही लगनी, जैसे मुझे लगी है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।